जीईएल क्या होता है? ANGEL, एंजल, एंजल फरिश्ता। वो ANGLE क्या होता है? एंगल, जो हम बनाने लगे हैं जाविया। अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एंगल्स बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? एक ही एंगल पे तकरीबन तमाम एंगल बनवा जाऊंगा, एक एंगल पे तमाम एंगल बना जाएंगे हम, ठीक है। क्या करना है जी? सबसे पहले आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है? सेमी सर्कल क्या होता है जी? क्या होता है? हाफ सर्कल, सेमी आधा, ठीक है जी। यहां पे कंपास रखे अपनी, आपने क्या ड्रॉ कर लिया? एक सेमी सर्कल, आधा सर्कल, ठीक है। सेंटर से लेके सर्कल तक जितना डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस। क्या कहलाएगा? सेंटर से लेके सर्कल तक ये हो, 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 क्या होगा? रेडियस। और अगर रेडियस को दूसरी कॉलम में मिला दूं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? डायामीटर। क्या बन जाएगा? और ये क्या कहलाएगा? सेंटर। तीन बातें बताई जो बताने वाली नहीं है फिलहाल एंगल्स में, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। पहला क्या बताया? ये सेंटर है। सेंटर से सर्कल तक कोई भी पॉइंट पहुंचे वो क्या कहलाएगा? रेडियस। रेडियस को डबल कर दिया जाए, मतलब दूसरे कोने तक भी चले जाए। मैं क्लास के सेंटर में खड़ा हूँ, वहां जाऊं हाफ, यहां आऊं हाफ, और टोटल क्या होगा? डायामीटर। समझ आई? हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायामीटर एंड हाफ ऑफ द डायामीटर इज नोन एज रेडियस। किधर हो गया? कोई डाउट तो बोल रहे जी। अब मैंने क्या बताया था? पहली आर्क किसकी होती है? 60 की। क्या करूंगा? जहां एंगल बनाया था वहां रख के एक आर्क लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये एंगल किसका आ गया? पहला एंगल किसका आ गया? लगाएं और अपनी डी रख के मैच करें कि 60 बन गया। जैसी डी आपने ली बेटा, डी दबा नहीं लेनी है वाली आपने। कभी भी बिछाए बेटा, जैसी कभी भी बेटा ऐसी डी नहीं लेनी जो दरमियान से खाली हो, बिकॉज आप लाइन ही मैच नहीं कर पाते। लग जाएगी लाइन मैच। जब भी डी लेनी, सिंपल डी लेनी है एक, और देखना है कि सेंटर उसका ये पॉइंट है और लाइन यहाँ से लेके वो एंड तक जा रही है कि नहीं जा रही, अदरवाइज डी फारिग होती है। एंगल डिस्टर्ब करेंगे आपके, पेपर अच्छा नहीं होगा। लगा दी पहली आर्क, डी से मेजर किया 60 है, लाइन ड्रॉ कर दें 60। क्या कर दें? सिक्सटी का टेबल किसी को आता है? ये कौन सा आ गया? 60 का डबल क्या होता है किसी को पता है? 60 का डबल क्या होता है? 120। तो इसे डबल करें क्या आएगा? यहां रखा कंपास, जहां आर कहेगी वो क्या होगा? कहां रखी कंपास मैंने? जहां 60 बना था वहीं कंपास रखे एक स्टेप ले लिया। मीन्स मेरा एक स्टेप 2 फीट का है, सेकंड कितने पे जाएगा? 4 पे। समझ आई? एक बाजू 3 फीट का है तो इधर से आगे कितना जाएगा? 6 फीट। 60 पहला आ गया, 60 का डबल क्या है? कोई डाउट? क्लियर है? अब 60 का पहला, ये पहला 60 का है। खदीजा कितने घंटे लगाने हैं? और 120 ड्रॉ हो गया आप लोगों का कि नहीं? लाइन लगा दे 120 में भी। शाबाश अहमद, शाबाश, वेल डन। ये कितने का है? 120 डिग्री। कोई डाउट है किसी को तो हाथ खड़ा कर ले, जिसने बना लिया वो भी हाथ खड़ा कर ले, जिसको डाउट है वो खुद खड़ा हो जाए। मोहतरम बना नहीं रहे आप,
कोई भी नहीं बनाया अभी तक हादी ने। बेटा अपनी कोनी सीधी करो भाई, सर से उठाओ। बन गया नहीं 120 का जी? अच्छा अब 60 से आगे क्या होगा? 61 दर 60, 62 दर 120, 63 दर 180। मतलब 120 से 60 में और आगे जाऊं तो क्या बन जाएगा? 180। तो मैंने यहां पे कहां पे कंपास रखी जहां 120 है वहां रख के एक और ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा? नीचे तो नहीं हो गई थी ये। थर्ड क्या बन जाएगा आपका? थर्ड क्या बन जाएगा? 180। बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। क्यों? कि आप ही कंपास को डील करना आसान है, हमारी कंपास छोटी है ना इसलिए डील करना मुश्किल है। नन्नी मुन्नी सी है ये। क्यों भाई बाकिर किधर हो गया? अब 30 पे आते हैं। 30 किसका हाफ होता है? किसका हाफ होता है? 60 का। तो 60 को हाफ कर दें। ठीक है, मैंने ये स्केल हाफ करना हो तो मैं क्या करूँगा? सो कहाँ से पकड़ूंगा? यहाँ से पकड़ के तोड़ूंगा। टूटेगा ही नहीं बेटा, यहाँ से टूटना बहुत मुश्किल होगा। कहाँ से पकड़ के तोड़ूंगा? टूट जाएगा आराम से। ये रूपाऊ सेंटर है, उसकी पैसे सा सेंटर में आना है। सेंटर से 19-20 का फर्क होगा, एग्जैक्ट टूटेगा। कहाँ से पकड़ा मैंने? कोनों से। 60 का कोना कौन कौन सा है? एक ये और एक ये, इनको आप करना ना मैंने। ठीक है, एग्जांपल इसलिए दिए मैंने आपको। 60 यहाँ पे है, इसके मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए कि दो पॉइंट्स है, इन्हें मैंने फोकस करना। आप क्लियर है उमेर भाई? क्लियर है? चले आगे। अब एक दफा जीरो पे रखना है। जीरो कहाँ पे होता है? जीरो पे रखा, एक आर्क ड्रॉ कर ली, और एक दफा 60 पर रखा, दूसरी आर्क ड्रॉ कर ली। अगर मुझे खाली 30 बनाना हो ना, 60 ना बनाना हो, तो मैं कभी भी 60 पे लाइन नहीं लगाऊंगा, बस ये आर्क इस्तेमाल करूंगा। अगर खाली 30 बनाना हो बेटा, सुन ले सारे पहले, खाली 30 बनाना हो, 60 ना बनाना हो, तो क्या करूंगा? 60 नहीं बनाऊंगा, आर्क लगाऊंगा, लाइन नहीं लगाऊंगा। लाइन रिजिड तब लगानी है जब मुझे चाहिए होगी, जब हेल्पिंग होगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। बताऊंगा क्या होती है, अभी अभी काम बताऊंगा आपको दिखा के। ये क्या होगा? अब कौन सा बनेगा? इसके कोने को जहां वो मिल रहा है वहां मिलाना है हमने, और थोड़ा पीछे से रखता हूं कि मेरी माथे की टिप मोटी है और वहां एग्जैक्ट पे पहुंच जाए वो। अब आगे एग्जैक्ट पे, ये क्या हो गया? 30 डिग्री। अभी समझ नहीं आई 30 का पॉइंट कौन सा है इसके अंदर? ये पॉइंट है ना। अगर मैंने 30 ना बनाना हो, 15 बनाना हो, तो क्या 30 की लाइन लगाऊंगा? मैंने 60 नहीं बनाना, 30 बनाना है, 60 की लाइन नहीं लगाऊंगा, आर्क इस्तेमाल करूंगा। ये बताया मैंने, आर्क किसे कहते हैं। अब मैंने 30 नहीं बनाना, 30 का आर्क कितना होता है? 15 बनाना है, तो क्या करूंगा? 30 की लाइन नहीं लगाऊंगा, लेकिन 9 जब तक नहीं लगाऊंगा तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा। तो ऐसे काम के लिए 30 की लाइन को डेंगी कर दे। क्या कर दे? मतलब डेंगी की टांगें भी ऐसी होती है ना, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। समझ रही है? जान के डेंगी के बारे यूज़ किया, कोई याद रहे। समझ रही? हेल्पिंग लाइन है इस टाइम आपकी। अब क्या करेंगे 15 करने के लिए? 30 को भी ऑफ कर देंगे। 30 का ऑफ क्या होगा? 30 में रखेंगे पहले एक आर्क और एक जीरो पर रखेंगे दूसरी आर्क। ठीक है जी, समझ आ गई? वेल्डन अहमद यार मेरे से ज़्यादा तेज काम कर रहा है ये। कल 6 एंगल बना रही थे भाई, सर कुछ किया ही नहीं हुआ था। ठीक है जी, अब क्या होगा? यहाँ रखेंगे कौन सी एंगल आ गया? अभी समझ नहीं आई, अभी भी समझ आई कि नहीं आई? 15, 30, 60, 120 और 180 के बन चुके हैं। यहाँ स्ट्रेट निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 180 निकल आएगा। क्लियर है?
अब दो एंगल के लिए मैं किसी और जगह जा रहा हूँ, इधर से ही बन सकते हैं, लेकिन मिक्स हो जाएगा, आप दो डिस्टर्ब हो गए। क्या होगा? मिक्स होगा। तो नीचे आ जाते हैं इससे, ये लाइन आ गई। पहले क्या करते हैं, कौन सा सर्कल बनाते हैं? सेमी सर्कल। क्या होता है हाफ सर्कल? क्या होता है आधा सर्कल? यहाँ पे सर्कल थोड़ा गलत हो गया मेरे ख्याल में, कंपास शायद हिल गई थी कि नहीं ली थी। सही है तेरा है? कंपास बंद हो गई। देखो माइनर सा इफेक्ट आया देखो, लेकिन वो भी मैटर, बड़ा मैटर करेगा वो पॉइंट भी। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक दफा कंपास रखनी है और एक आंख लगानी है, एक दफा यहाँ कंपास रखनी है और एक, ये मैंने दो आंख क्यों लगाई है फिर बता सकता है? 90 का बनाना है, आंख दो क्यों लगा देंगे, इतना बना 90 के, बता सकता कोई? और यहाँ यहाँ रखी और यहाँ रखी क्यों लगाई है? मैंने कहा तोड़ना हो तो साइडें पकड़ते हैं। ये टोटल कितना है? 180 का। 180 का हाफ क्या होता है? तो इसलिए इसके ये दो कोने पकड़े, समझ रही? मैंने आग लगाई लेकिन वो आग मिली नहीं आपस में। मैं इन आर्क को दोबारा इस्तेमाल करूँगा। अब क्या करूँगा इन आर्क्स को, तो जो नई आर्क्स आएंगी वो 90 पे खड़ी होंगी, समझ रही? पहले मैंने यहाँ से इसको हाफ किया, देन इधर आया, एक आग ड्रॉ की। अब कंपास क्यों तेज चलना शुरू हो गई है कि कंपास का और पिन का लेवल सेम हो गया है, ये हमेशा सेम होना चाहिए लेवल। अगर सेम नहीं है तो कंपास ऑपरेट करते हुए तंगी होगी आपको। ये हो गया, ये आपका 90 ड्रॉ हो गया। क्या ड्रॉ हो गया? कैसे 90 ड्रॉ होना है? यहाँ रखे एक आर्क, यहाँ रखे एक आर्क, इन दोनों को मिलाया, हाफ किया, जहाँ मिलेगा वो क्या होगा? 90 पे आ जाएगा। लेकिन हमारा एक देख 90 पे नहीं आया, ये क्यों नहीं आया भाई? उठा कम हो गया कोई? ये इधर हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ से क्या ड्रॉ हो जाएगा आपका? 90 का एंगल। सब गड़बड़ है 90 के एंगल में। बुक दिखाओ था मुझे। 15, 30, 60, 120, 90 आ गया कि नहीं आया? अच्छा, अब 90 का हाफ क्या होता है? 45। तो क्या करेंगे, जो पॉइंट 90 वाला है, मतलब ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, हेल्पिंग लाइन होगी अब ये, क्योंकि 90 नहीं चाहिए मुझे, तो इस 90 को इसको पकड़ेंगे। शाबाश, बनाओ। ये आ गया कि नहीं आया? यहाँ तो कोई डाउट है तो बोल दें। क्या करेंगे, 90 को और 120 को लेके एक आग लगाएंगे, जहाँ पे आग मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? ये एंगल कौन सा आ गया है? 45 का। देखो 15, 30, 45 भी आ गया, उसके बाद 60 भी आया हुआ है।
अभी एक और चीज दिखाता हूँ, ये किसका है 45, 15, 30, 45, 60, 90 डन है। ये किसका होता है 60 का ना, इसको मिला दूं 90. ये किसका आ गया है? अब ये कौन सा है 90 और 60 ना, 0 और 30 के दरमियान 15 था, 60 और 0 के दरमियान क्या था 90 और 60 के दरमियान क्या होगा, 90 और 60 के दरमियान कौन सा एंगल होगा? वेल डन, क्लैपिंग हो रही इसके लिए। कौन सा होगा 75, क्यों 90 को पकड़ा 60 को पकड़ा आधा कर दिया। कैसे बनाएंगे आप, एक दफा यहां कंपास, एक दफा यहां क्या आएगी, ये क्या होगा? अभी समझ नहीं आई, अभी समझ नहीं आई। अच्छा ये 90 का था तो ये कौन सा था, 120 और 90 के दरमियान कौन सा होगा? प्लस के 2 पे डिवाइड किया, मतलब यहां और यहां रखे जो आंख लगेगी वो क्या होगी, ये मैं इतना हाथ नहीं लगाने बैठ जानी आपने, आंख पकड़ी जाएंगी उसमें एक शार्पनेस नहीं होगी। ठीक है, हर एंगल बनाने के बाद डी से मैच जरूर करना है, डी से चोरी नहीं करनी कि डी रखे बना दो टीचर को पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है वो आंख से नजर आ जाता है, विदाउट आंख एंगल नहीं होगा। देखिए उसने हाल ही 30, 60, 90, 120 मांगा, चार एंगल मांगे बुक वाले ने, हमने कितने दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइए। अब आगे खुद से चलते जाए आप, 120, 180 का आप क्या होगा 150, 180 और 120 को मिलाओ कितना होता है 2 पे डिवाइड हो क्या आता है 150 डिग्री। तो यहाँ और यहाँ रखेगा आप, यहाँ लगेगी ना, दिस इज 150, देन 180, 150 को प्लस को 2 पे डिवाइड हो दरमियान में फिर एंगल, फिर 120, 150 को प्लस को 2 पे डिवाइड को फिर एंगल। समझ आ गई कि नहीं आई, 120 प्लस 150 को डिवाइड करो एक एंगल निकाल के लाना आप लोगों ने, 180 और 120 को प्लस कर लिया हुआ 150, 180 पकड़ लें आप, 180 डिग्री प्लस ये सब एंगल मुझे आपने देने हैं कल, ऐसे एक डिज़ाइन बनाओ। आगे की चली गई है, इधर है, थैंक यू।